अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 15 है ये, और आज मैं आपके साथ फीड के बारे में डिस्कस करूँगा। फीड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉकटेल ब्रीडिंग में, सबसे बड़ा पार्ट यही है, सबसे अहम पार्ट यही है, क्योंकि गलत फीड देने की वजह से क्या होता है, आपके बच्चे मर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों की फीड बिल्कुल डिफरेंट होती है और सर्दियों की फीड टोटली डिफरेंट होती है। और एक और फीड होती है जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में यूज़ होती है, वो गर्म फीड, वो हम सिर्फ कॉकटेल के पट्ठों को देते हैं ताकि वो ब्रीड पर आ सकें या तैयार जल्दी हो सकें, वो बहुत गर्म होती है। और क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता सीड्स के बारे में, कौन सा सीड देना है, क्या मिक्स करवाना है, मिक्स दाना कैसे लेना है। तो दाना बनवाने की तमीज़ हर किसी को नहीं होती। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब किसी भी शॉप पे जाना है या जहाँ से आप कॉकटेल की फीड ख़रीदते हैं वहाँ से क्या क्या लेना है। सॉफ्ट फीड तो आप घर पर बना लेते हैं, वो तो आप डाल देते हैं, आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकते हैं और चने भिगो के दे सकते हैं आप, तो सॉफ्ट फीड का इतना मसला नहीं है, वो तो आप घर में ही एग फीड बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, स्प्राउट्स कर लेते हैं। मैं उस दाने की बात कर रहा हूँ जो कि हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए कॉकटेल के पास। अब सुन लें, जब कॉकटेल ने ब्रीड किया हुआ हो यानी बच्चे दिए हुए हों, तब उस वक्त आपने कौन सा दाना रखना है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ कराची में उसको येलो कंगनी कहा जाता है, बारीक कंगनी और मोटी कंगनी, येलो कलर की होती है यानी येलो दाना होता है वो। अब मुझे नहीं पता इंडिया में भी, मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुझे नहीं पता वहाँ क्या कहा जाता है। बहरहाल मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। कंगनी होती है येलो कलर की, उसमें मोटी भी आती है, बारीक भी आती है और लाल भी आती है। तो जब बच्चे दिए हुए हों कॉकटेल ने, तो आपने क्या करना है, जो दाना मैं बनाता हूँ वो सुन लें, मैं अपना किस तरह से बनवाता हूँ। मैं दुकान वाले के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई जान 5 किलो मोटी कंगनी, 5 किलो बारीक कंगनी, 5 किलो लाल वाली कंगनी, 2 किलो लाल चावल और 5 किलो कनेरी सीड्स, बस ये आपने करवाना है। ये तब की फीड है जब इन्होंने बच्चे दिए हुए हों। अगर आप बाजरा डलवाएंगे, भाई बाजरा कॉकटेल खा लेते हैं, बाजरे में कोई मसला नहीं है, बट जब बच्चे दिए हुए हों, मैं तो खैर खिलाता ही नहीं हूँ बाजरा, बच्चे जब दिए हुए हों तो बच्चे जब बाजरा खाते हैं तो वो ब्लॉकेज कर देता है। आपको पता है बाजरा कितना सख्त होता है, यानी बाजरे की रोटी अगर इंसान खा ले तो कई लोगों को तो मोशन लग जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बाजरा जो है वो कॉकटेल के लिए सूटेबल नहीं है, जो मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस लाइफ में सीखा है मैंने। कॉकटेल के बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत वीक होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सॉफ्ट फीड दें कॉकटेल्स को जब उसने बच्चे दिए हुए हों। तो याद रखें, बाजरा आपने नहीं डलवाना जब बच्चे दिए हुए हों, और सूरजमुखी के बीज भाई आपने नहीं डालने जब बच्चे दिए हुए हों, वो भी डाइजेस्ट नहीं होते, बच्चों से मर जाते हैं बच्चे, ठीक है। सूरजमुखी के बीज नहीं देने आपने, आपने बाजरा नहीं डलवाना अपने दाने में, और आपने भुट्टा यानी जिसको आप कॉर्न कहते हैं, मकई जिसको कहते हैं, वो आपने नहीं देनी जब बच्चे दिए हुए हों, क्योंकि ये वो फीड हैं भाई, ये कॉकटेल को ब्रीड पिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। भुट्टा मकई हो गई या फिर ये जो अपना सूरजमुखी के जो बीज हो गए, सनफ्लावर सीड जिसको कहा जाता है, यार ये बहुत गर्म होते हैं, इनमें हैवी ऑयल होता है, ये ऑयली होते हैं अंदर से, तो सनफ्लावर का ऑयल भी आपने देखा होगा, तो ये आपने नहीं डालने। और आपने जो है वो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने सनफ्लावर के जो बीज हैं वो नहीं खिलाने जब बच्चे दिए हुए हों कॉकटेल ने, ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं पट्ठों को देते हैं ताकि पट्ठों में हीट पैदा हो, गर्मी पैदा हो जिस्म में, जिस पे वो जल्दी बड़े हों, वक्त से पहले बड़े हो जाएं, ये इसलिए दी जाती है। तो आपने अपने बच्चे दिए हुए पेयर्स को ये नहीं देनी जिसने बच्चे दिए हुए हों जो फीड करवाता हो। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं दाना क्या बनवाता हूँ। मैं कंगनी जो है वो तमाम कंगनीज जो हैं बराबर रखवाता हूँ, और कनेरी सीड, ये कनेरी सीड बहुत अहम है, लोग कहते हैं गर्मियों में नहीं देना चाहिए, मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई, मुझे 25 साल हो गए, कनेरी सीड गर्मी हो या सर्दी हो कॉकटेल इतनी जल्दी खाता है, यानी जब मैं दाना मिक्स करवा के डालता हूँ कॉकटेल को, तो सबसे मैं देखता हूँ कि मेरे डालने के कुछ देर बाद कनेरी सीड बिल्कुल गायब हुआ हुआ होता है, यानी कि वो पहले कनेरी सीड चुन चुन के खा रहे होते हैं, वो बाद में फिर वो बाकी दाना खाना पसंद करते हैं, पहले वो कनेरी सीड खाना पसंद करते हैं। और बच्चों को कोई नुकसान नहीं है कनेरी सीड से, बहुत अच्छे से वो डाइजेस्ट होता है। तो कनेरी सीड गर्मी हो सर्दी हो उसकी मकदार आप कंगनी के बराबर रखें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे बनवाता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 किलो मोटी कंगनी, 5 किलो बारीक कंगनी, 5 किलो लाल वाली कंगनी, 5 किलो कनेरी सीड और 2 किलो में लाल चावल डलवाता हूँ। ये है जब आपके बच्चे दिए हुए कॉकटेल ने तो ये खाना पसंद करते हैं। बाकी दुकान वाला आपको जई दे रहा हो या बोल रहा हो, मिक्स फीड मैंने बना के रखी हुई है पहले से, इसमें जई भी है, इसमें जुई भी है, इसमें टुई भी है, पता नहीं क्या क्या है उसमें, तो वो भाई आपने नहीं देनी, दुकान वालों को नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मेडिकल स्टोर वाला दवाई प्रेफर नहीं कर सकता ना, उसका ये काम है जो उसके पास लिखी हुई चीज़ आई है वो उसने देनी है, यानी डॉक्टर आप दवाई आप डॉक्टर से लिखवाते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले का सिर्फ इतना काम है, वो दवाई का पर्चा उठाएगा, देखेगा डॉक्टर ने क्या लिखा हुआ है, वो दवाई देगा।
तो दाने वाले का भी इतना ही काम है भाई कि जो उसको बोला जाए वो करे, दाने वाले से मशवरा ना लें कि मैं क्या खिलाऊं या क्या नहीं खिलाऊं। कुछ दाने वालों को पता होता है तोतों के बारे में, लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता होता है भाई, वो उनको खाली दाना ही अपना बेचना होता है। तो वो आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर देंगे फालतू किस्म की, ये जई खिलाएं, ये भुट्टा पड़ा हुआ है मेरे पास आया हुआ है, ये फलाने जगह से आया हुआ है, ये बड़ी दूर से मंगवाया है मैंने, थाईलैंड से मंगवाया है। आपने नहीं सुननी उसकी बात, और ये चीज़ें महंगी भी होती हैं, उल्टा आपके काम की भी नहीं होती, काम ख़राब करती हैं आपका, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से फीड लेनी है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कॉकटेल क्या खाता है, क्या खाने के लिए बना है। कॉकटेल जो चीज़ खाने के लिए बना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भाई आप नए नए पैंतरे मत कोशिश किया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको खा के कॉकटेल बीमार हो जाते हैं यार। मैंने पता नहीं एक लूसन थी या क्या था, कोई अजीब सी कोई जड़ी बूटी टाइप सी थी, मेरा एक दोस्त कहने लगा यार कि ना वो खिलाना, मेरा एक जानने वाला है तो यूँ है, उसने मुझे ऐसे बताया। मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, बहुत पुरानी बात है ये, तो उसने कोई वो बेसिकली वो ग्रास ही थी एक तरह से, जैसे पालक और सलाद पत्ता होता है उसी तरह की थी वो, बट अब मुझे नहीं पता वो एक्चुअल में क्या चीज़ थी, वो बाहर से कहीं से आई हुई थी, इम्पोर्ट हुई थी बाकायदा तौर पर वो, यानी कि बहुत महंगी चीज़ थी। तो मैं बड़ा खुश होकर वहाँ से लेके आ गया कि यार आज खिलाऊंगा, ये खाते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे कॉकटेल चढ़ जाएंगे ब्रीड करने के लिए एक दूसरे के ऊपर। आप यकीन करें मैंने खिलाई, ठीक है। सुबह मैं अगले दिन उठाऊँ तो जिन जिन को मैंने वो डाली थी ना, जिन जिन्होंने मुंह मारा हुआ था, वो सारे सुकड़ के बैठे हुए कोने में डंडी के ऊपर और कांप रहे सारे के सारे। देखा तो मैंने ग्रीन ग्रीन मोशन निकल रहे हैं उनके, तो वो ख़राब चीज़ फिर बहुत, यानी कि आपका नुकसान हो सकता है। देख के नई चीज़ें मत ट्राई किया करें। हाँ, सॉफ्ट फीड दें, सलाद पत्ता दें, बहुत अच्छा है गर्मी के लिए, बहुत ठंडा होता है, बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। सलाद पत्ता हो गया, पालक दे सकते हैं आप एग फूड दे सकते हैं, चने भिगो के रात को रख दें सुबह वो आप दे सकते हैं, या बॉईल करके भी दे सकते हैं, गंदम को बॉईल करके आप दे सकते हैं, चावल बॉईल करके दे सकते हैं, ये चीज़ें आप दे सकते हैं, तो ये फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सारे पार्ट्स आप मेरे देखा करें, हर चीज़ में ब्रीडिंग के हवाले से कोई ना कोई नई बात होती है। जब आप ये देख लेंगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे तोते क्यों ब्रीड नहीं कर रहे, ठीक है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।